गांव की खुद दिख दरो गांव गलू बटीक समान्य आज हम लोग उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के पचनशु पट्टी के डोंडियों खाल में डोंडियों की मां काली और घंडियाल देवता के दर्शन करने जा रहे हैं। आज के समय में यह दैवीय स्थान मोटर मार्ग से जुड़ा हुआ है और यहां पर पहुंचने के दो मार्ग मुख्यतः हैं। एक खिरसू वाले मार्ग से यहां पर पहुंचा जा सकता है और दूसरा पैठानी मार्ग से। सड़क से इस दैवीय स्थान तक पहुंचने के लिए 150 से 200 मीटर का एक पैदल मार्ग है, जिसमें इन सुंदर सी मनोरम वादियों को निहारने का आपको पूरा मौका मिलता है। प्रवेश द्वार के अंदर प्रवेश करते ही बाईं ओर एक छोटा सा घरनुमा मंदिर बनाया गया है, जो मां कालिका की अगवान चाकर आचरियों का और घंडियाल देवता के अगवान चाकर बीरू का स्थान है। और फिर उसके बाद आपको दर्शन होते हैं शुद्ध उत्तराखंडी पहाड़ी हिमालयी शैली में निर्मित घंडियाल देवता के मंदिर के। वर्गाकार गर्भगृह के शीर्ष पर
पत्थर से निर्मित सुंदर सा आमलक रखा गया है, जिसके ऊपर पत्थर से ही निर्मित कलश से मंदिर को सुशोभित किया गया है। मंदिर के प्रवेश द्वारों को घंटियों से सजाया गया है और प्रांगण में एक हवन कुंड भी विद्यमान है। आयताकार मंडप को वर्गाकार गर्भगृह से जोड़ा गया है। गर्भगृह में मुख्य देव घड़ियाल की पूजा होती है, जिन्हें घंटाकर्ण देव भी कहते हैं, और मंडप में अनेकों शिला रखी गई हैं, जो अनेक देवों को समर्पित हैं। यहाँ पर पूजा करने के लिए पर्याप्त स्थान बनाया गया है। गर्भगृह की छत को शुद्ध पहाड़ी शैली में प्रयोग होने वाली पठालों यानी कि पत्थर की स्लेटों से आच्छादित किया गया है। और मंडप की छत को आधुनिकता के साथ सीमेंट से निर्मित किया गया है। अब यहां पर हर वर्ष माता की डोलियां आती हैं। कुछ डोलियां यहां पर धर्मशालाओं की छत पर रखी हुई देखी जा सकती हैं। उसके बाद दर्शन होते हैं मां डौंडियों की कालिका के सुंदर से दरबार। भक्त लोग यहां पर आकर मनोकामना मांगते हैं और जब वह पूर्ण हो जाती है तो यहां पर आकर चिमटे
घंटियां और चुनरियां चढ़ाते हैं। यहां चारों ओर इतने सारे चढ़ाए गए घंटियां, चुनरियां और चिमटे इस बात का प्रमाण है कि माता कितने सारे लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण करती है। किसी समय में यहां पर पशु बलि हुआ करती थी, जो कि अब बंद हो चुकी है, और मां को तृप्त करने के लिए लोग यहां पर नारियल और श्रीफल चढ़ाते हैं। घंडियाल देवता के मंदिर के गर्भगृह की दीवार पर एक अद्वितीय और बहुत प्राचीन शिलालेख प्राप्त हुआ, जिस पर फतेहपति शाह अथवा फतेह शाह का नाज अटल हो और साके संवत 1741 मंगसीर मासे मुद्रित है। इसका मतलब होता है कि यह मंदिर फतेह शाह जिनका के राज्यकाल 1600 से 1700 के मध्य था, उस समय 1684 में निर्मित किया गया है। यहां पर रुकने के लिए धर्मशालाओं का निर्माण किया गया है और इस मंदिर के निकट ही पिछुंडी नामक स्थान पर वन विभाग के पर्यटन विश्राम गृह भी हैं। मैं आपको इस पावन भूमि पर प्रकृति के अद्भुत दृश्य देखने के लिए और देवों का आशीर्वाद लेने के लिए आमंत्रित करता हूं। आप जीवन में एक बार अवश्य यहां की यात्रा करें, आप बिल्कुल भी निराश नहीं होंगे।